अलीगढ़ जिले के अतिरौली में मंडी समिति की द्वारा बनाई गई किसान बाजार की दुकानों की नीलामी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। खुली बोली के आधार पर नीलामी प्रक्रिया की गई थी। इस नीलामी प्रक्रिया में सबसे महंगी दुकान 22 लाख रुपए की उठी, जो एक औरणी के निवासी किसान ने ली। 4,40,000 संजय ट्रेडर्स, 4,40,000 संजय ट्रेडर्स, 80,000 संजय शर्मा, संजय ट्रेडर्स, हाँ संजय ट्रेडर्स, 12-15, 5,000 पब्लिकी, 13,10,000 साहसी। हालांकि नीलामी प्रक्रिया में कुछ लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाया। हमारे हिसाब से तो ये ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी की गल्ला मंडी में ऐसी की दो दुकानें थीं, 11 नंबर और 15 नंबर। तो उसमें पहले स्टार्ट 11 नंबर पे बोली स्टार्ट हुई थी, तो 3:45 से स्टार्ट थी, तो मैंने जो है 3:50 लगाई अपनी पत्नी की तरफ से, और फिर इन्होंने मेरे नाम अलर्ट नहीं की और बोली फिर 15 पर शुरू करा दी इन्होंने, और 15 की बोली लगाते हुए 15 की बोली छूट गई 5:70 पर। उसके बाद फिर इन्होंने 11 की कह दिया मुझसे कि अब 11 पर बोली नहीं लगेगी। अगर ठीक से बोली लगानी थी तो 11 नंबर पर पहले क्लियर करके कि ये बोली नहीं लग रही तो तभी बंद करा देनी चाहिए थी नीलामी, आगे प्रक्रिया बढ़ानी ही नहीं थी। क्या आज अतरौली परिषद में मंडी के अंतर्गत जो है सुपरमार्केट की 17 दुकानें और अतरौली में खाद्यान्न की 5 दुकानों की नीलामी की गई है। सुपरमार्केट की 17 दुकानों में एक दुकान विकलांग के कारण जो रोक दी गई, कोई कंपटीटर नहीं था उसमें, 2,19,15,000 रुपए की पूरी नीलामी गई है सुपरमार्केट की, और 25,10,000 की खाद्यान्न की श्रेणी की दुकानें गई हैं। समस्त नीलामी खुले रूप में की गई है, नियमानुसार की गई है, बोली को अंतिम रूप तक जब तक दूसरे ने ना नहीं कर दिया तब तक किया गया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है पूरे उसमें। और ख़ास बात यह है कि पूरी नीलामी के नियम के अनुसार सभी लोगों ने 50-50% लगभग इसमें जमा कर दिया। सर, इस जिस लाभार्थी को दुकान मिली है उसके अलावा वो अपनी दुकान को हस्तांतरित कर सकता है या बेच सकता है? हस्तांतरण का कोई इसमें अधिकार नहीं है। किराए पे उठा सकता है? ना किराए पे उठा सकता है, ये केवल वो और वही व्यक्ति जो है जिस बंदे के नाम पे, जिस व्यक्ति के नाम पे दुकान आवंटित हुई है, वो व्यक्ति अगर उस दुकान में कारोबार नहीं करता, किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, तो ऐसी स्थिति में मंडी क्या परिषद के नियम और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अतरौली से दुष्यंत और अमित के साथ प्रवीण कुमार, BPL न्यूज़, अलीगढ़।